फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखेंगे दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना आपको Now, also, सिर्फ नहीं होता है. मतलब दो ठीक है दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ये सिर्फ एक अमीबा का एग्जाम्पल है मल्टीपल okay? फिजन मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं जैसे कि हम लोग प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं एक सेल है उसका न्यूक्लियस है बहुत सारे अंदर ही डॉटर सेल्स बनते हैं और फिर उसका सिस्ट यानी कि उसका जो वॉल है वो ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे सेल एक टाइम पे रिलीज होते हैं तो जैसे मच्छी के अंडे कैसे होते हैं कि उसके पेट में बहुत सारे अंडे बनते हैं और फिर एक टाइम पे रिलीज होते हैं सिमिलरली यहाँ पे होता है मल्टीपल uh, फिजन में ओके एंड एट टाइम्स अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है जब उसको उतना फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो इट ऑल्सो अंडरगोज मल्टीपल फिजन इज दैट क्लियर तो ये हमने देख लिया फिजन नंबर टू क्या है बर्डिंग क्या आएगा आपके दिमाग में हाइड्रा आएगा ओके okay? तो हाइड्रा का बर्डिंग है ये हमने क्लियर कर लिया है ओके okay? ये दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिया है आज रीजनरेशन एग्जांपल स्टारफिश देखो एक स्टारफिश अगर टूट जाती है तो उसका टूटे हुए पार्ट में से एक नई स्टारफिश बन सकती है दैट क्लियर तो हर टूटे हुए पार्ट में से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है आप इमेजिन कर सकते हो आप ये सामने देखोगे तो आपको बहुत अनबिलीवेबल लगेगा ठीक है जैसे आपने कभी ट्राई किया रहेगा कि जो लिजर्ड होती है लिजर्ड की जो टेल होती है वो बहुत इजीली कट हो जाती है ठीक है अगर वो कट जाती है ना तो उसकी न्यू टेल ग्रो हो जाती है क्योंकि उसके पास भी पार ऑफ रीजनरेशन है तो रीजेनरेट होना इज दैट क्लियर ये हमने प्लांट के रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था यस अब देखते हैं हम बडिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं आपको सिर्फ दो दो पॉइंट्स में याद रखना बिकॉज ज्यादा हम फोकस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे तो एक पेरेंट हाइड्रा होता है उसका एक छोटा सा बड ग्रो होता है दिस डायग्राम कैन बी आस्ट ओके और द प्रोसेस कैन बी आस्ट इसलिए ध्यान दो ओके बर्ड ग्रोज एट क्लियर बड़ ग्रो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बड़ डेवलप्स माउथ एंड टेंटिकल्स तो ये दिख रहा है इनके पास कुछ भी नहीं इतनी पार्ट है टेंटिकल्स है और ये उसका पार्ट है ठीक है बॉडी है फिर बर्ड डिटैचेस टू फॉर्म अड्रा जब उसके टेंटिकल सब कुछ अच्छे से ग्रो हो जाएंगे okay? रीजनरेशन की बात करें तो आप देख सकते हो एक अडल्ट है अगर ये बीच में से कट होता है तो दो पार्ट हो गए हर एक पार्ट समझो इसका ऊपर वाला पार्ट कट गया तो वो नीचे वाला पार्ट बना देगा और नीचे वाला पार्ट कट गया तो वो ऊपर वाला पार्ट बना देगा एग्जैक्टली जो पार्ट नहीं है वहां पे से ग्रो हो जाएगा और ऐसे बड़ा होने के बाद फिर वो दो अडल्ट हाइड्रा बन गए ओके okay, सो so हाइड्रा आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हो बर्डिंग भी और रीजनरेशन भी इज दैट क्लियर टू यू अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल होम रिवाइज को सब्सक्राइब करें